प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। है आज आजाद देश तो है आजादी के हकदार हम भी। तुम अकेले नहीं थे संघर्ष के रास्ते पर, हैं इसके हकदार हम भी। खून से हमने भी सींचा है इस देश की मिट्टी को, है इस मिट्टी के पैदावार हम भी। देश अकेले खड़ा नहीं तुम्हारे मजबूत कंधे पर, इसकी निगहबानी के हैं हकदार हम भी। कहानी देश की आजादी में हमारे योगदान की। देश की यह मिट्टी खून से सींची गई है। बहुत मुश्किल है फर्क करना किस जाति, धर्म, समुदाय या लिंग ने कितना खून बहाया है। आज हमारी कहानी इसलिए क्योंकि आजाद देश में सांसें लेते हुए कई बार आप हमारी आजादी की चिंता छोड़ देते हैं। देश की आजादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान और संघर्ष की कहानियां कई बार कही गई। क्या आप भारतीय राष्ट्रीय सेना की महिला रेजिमेंट झांसी रेजिमेंट को जानते हैं? जुलाई 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रेजिमेंट के गठन की घोषणा की। यूनिट का नाम झांसी रेजिमेंट रखा गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रेजिमेंट का नामकरण किया गया था। कानपुर के अपने क्लिनिक में मरीजों को देखते देखते लक्ष्मी सहगल ने कहा, लड़ाई जारी रहेगी। उस समय लक्ष्मी की उम्र 92 साल की थी और इस उम्र में भी वो मरीजों को देख रही थी। 24 अक्टूबर 1914 को मद्रास, जो अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, वहां लक्ष्मी पैदा हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज सेना में डॉक्टर्स की भर्ती हो रही थी। लक्ष्मी अंग्रेज सेना का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। सिंगापुर में उनके कुछ रिश्तेदार थे और लक्ष्मी ने वहीं जाकर प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की। सिंगापुर में बहुत से दक्षिणी और भारतीय मूल के लोग रहते थे। लक्ष्मी के मरीजों में चीनी और मलय समुदाय के लोग भी थे। उधर लक्ष्मी के घर की हवा बदल रही थी। उनके घर वाले आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। लक्ष्मी भी बदलाव का कारण बनना चाहती थी। इस सिलसिले में वो सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिली। आजाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट का हिस्सा बनने के लिए हजारों महिलाओं ने आवेदन भेजे। जुलाई 1943 को रानी झांसी रेजिमेंट में महिलाओं की भर्ती शुरू हुई। नवंबर 1943 तक यूनिट में 300 से अधिक कैडेट थे। इन कैडेटों ने ड्रिल, रूट मार्च के साथ साथ राइफल, हैंड ग्रेनेड और हथियार चलाने का प्रशिक्षण लिया। युद्ध कौशल भी सीखे। रेजिमेंट की पहली पासिंग आउट परेड 30 मार्च 1944 को सिंगापुर में हुई। इसमें 500 से अधिक सैनिकों ने हिस्सा लिया था। आजाद हिंद फौज की झांसी रेजिमेंट की रानी को 1943 से 45 में जापानी कब्जे वाले मलाया और सिंगापुर में प्रशिक्षित किया गया था। आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए कई लोगों ने आराम की जिंदगी छोड़ दी। जिन लड़कियों ने कभी भारत नहीं देखा था, वे भारत को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए रानी झांसी रेजिमेंट में भर्ती होने के लिए आगे आई थी। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।